Hello everyone, welcome to second video of the series on hydrology. Today we are going to study about storage and diversion schemes. आप सब लोगों ने ये नाम बहुत सुने होंगे, लेकिन काफ़ी लोगों को इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है. तो सबसे पहले, जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने देखा था, हम लोग इसका हिंदी वर्जन देखेंगे. स्टोरेज मीन्स भंडारण, यानी किसी भी चीज़ को स्टोर करना. एंड डाइवर्जन मीन्स मोड मीन्स किसी भी चीज़ को टर्न करना या मोड़ना. इन दोनों शब्दों से आप स्टोरेज और डाइवर्जन का मतलब अच्छे से समझ सकते हैं. एंड बिफोर वी मूव ओवर टू व्हाट आर दीज, लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट कोर्सेस ऑफ अ रिवर. नाउ यू ऑल नो दैट अ रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम ईदर स्नो कैप्ड माउंटेन्स और इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम सम ऑर द अदर माउंटेन साइड. जैसे रिवर चंबल जो है वो जनापाव इंदौर से ओरिजिनेट करती है. तो जब कोई रिवर स्टार्ट होती है उस टाइम पर, यहाँ आप देख सकते हैं कि इस रिवर के कोर्स में बहुत ही छोटा क्रॉस सेक्शन एरिया होता है और इसका पानी काफी क्लियर होता है. लेकिन जैसे जैसे ये ग्रेडियंट पर आके बढ़ती जाती है, क्योंकि यहाँ पर ढलान है, तो आप देख सकते हैं कि इट अचीव्स अ वेलोसिटी. एज इट अचीव्स वेलोसिटी, वी ऑल नो दिस रिलेशनशिप दैट क्यू इज इक्वल टू ए इंटू वी. सो व्हेन इट अचीव्स वेलोसिटी, देन मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ वाटर गेट्स एडेड टू इट्स रिवर. सो ये जो पहली स्टेज है जहां पर एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया से रिवर फ्लो करना शुरू करती है, दैट इज नोन एज टेक्निकली एज द रॉकी स्टेज ऑफ द रिवर. ओके, दैट इज द फर्स्ट स्टेज, दैट इज द रॉकी स्टेज ऑफ द रिवर. नाउ द वॉटर हेयर इज क्लियर एंड वी कैन यूज इट इवन फॉर डोमेस्टिक पर्पज, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टैप द वॉटर एट दिस स्टेज. प्लस द क्वान्टिटी ऑफ वॉटर अवेलेबल इज नॉट सफिशियंट फॉर मोस्ट ऑफ द डिमांड फुलफिलमेंट. देन एज वी गो अहेड, क्या होता है जब ये रिवर आगे बढ़ती जाती है, इसमें और जगहों से लैटरल फ्लो, बेस फ्लो, प्लस कुछ सर्फेस फ्लो, ट्रिब्यूटरीज इसमें ऐड होती जाती हैं, तो रिवर वाटर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाता है. एंड बिकॉज ऑफ द फेयरिंग एक्शन ऑफ दिस रनिंग वाटर, जो बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं रॉकी स्टेज में, वो आगे जाके बोल्डर्स का शेप ले लेते हैं. सो द सेकेंड स्टेज ऑफ द रिवर इज द बोल्डर स्टेज. इन दिस बोल्डर स्टेज वी डू हैव enough quantity of water to fulfill certain demands like agricultural demands of certain adjoining small villages and all. And that is the reason yahan par is stage mein kai jagahon par aap ek aisa system dekhenge jahan se kuch particular amount of water ko divert karke pani agriculture ke liye ya kuch aur purpose ke liye aaju baju ke adjoining gaon mein pahuncha diya jata hai. So this is the bolder stage. And this necessarily is the diversion. After which, when we move ahead, जैसे आप देखेंगे, जैसे आप थोड़ा और आगे जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि नदी में जो नदी का क्रॉस सेक्शन एरिया है वो और ज्यादा बढ़ता जाता है. It goes on increasing more and more. तो जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता जाता है, क्योंकि डिस्चार्ज काफी ज्यादा है, यहाँ पर वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाती है. तो ये जो स्टेज है जहां पर आसपास में जो सॉइल है वो बोल्डर्स से कट होके बहुत ही अच्छी फर्टाइल सॉइल आपको यहाँ मिलती है, एंड दैट इज द रिवर इन प्लेन्स. ओके, सो द थर्ड स्टेज, तीसरी स्टेज जो है दैट इज रिवर इन प्लेन्स. एंड ये ऐसी स्टेज है जहां पर पानी की वेलोसिटी भी थोड़ी कम होती है, क्रॉस सेक्शन एरिया नदी का काफी ज्यादा होता है, तो लॉट ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल एट दिस स्टेज. और अगर इस स्टेज पे आप कोई ऑब्स्ट्रक्शन या कोई बैरियर बना देंगे तो वो बैरियर जो है वो आपको पानी स्टोर करने के लिए काम आएगा. तो वो महीने जब आपके पास सफिशियंट पानी नहीं है, जैसे यहाँ से फ्लोइंग वाटर को आपने रोक दिया तो एकदम से सारा पानी रुक जाएगा और यहाँ पे एक छोटा सा रिजर्वायर का शेप ले लेगा. तो दिस इज द स्टेज वेयर इन वी गो फॉर जनरली द स्टोरेज स्कीम्स. एंड लास्ट स्टेज इज द डेल्टा स्टेज, जो आप देख ही सकते हैं कि जिसमें नदी जाके इट मीट्स ईदर द ओशन और द सी. सो दैट इज द फोर्थ स्टेज. सो जनरली इन द फर्स्ट एंड द लास्ट स्टेज नो अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी टैप्ड इन, बट इन द बोल्डर स्टेज एज वेल एज वेन द रिवर इज इन प्लेन्स वी कैन टैप अमाउंट सर्टन अमाउंट ऑफ वाटर, ईदर डाइवर्ट द अमाउंट ऑफ वाटर और वी कैन स्टोर द अमाउंट ऑफ वाटर नेसेसरी फॉर समर मंथ्स. So here you can see that this figure shows upper course, middle course and lower course of a river. जैसे जैसे अब हम आगे बढ़ेंगे, आप देखिए
कि मैं आपको बाकी की रिवर की स्टेजेस के फोटोज भी दिखाऊंगी। Now here you can see this is the rocky stage or the mountainous stage. अब यहाँ देख सकते हैं काफी बड़े बड़े पत्थर है और रिवर का क्रॉस सेक्शन छोटा है जैसा हमने देखा था। एंड यहाँ पर नेक्स्ट इज द बोल्डर स्टेज। बोल्डर स्टेज पे क्या होता है कि सीपेज लॉसेस काफी हाई होते हैं, तो जनरली जो वियर और बराज हैं दे आर मोस्टली कंस्ट्रक्टेड इन द बोल्डर स्टेज, दे आर अ पार्ट ऑफ द स्टोरेज स्कीम एंड दीज वियर एंड बराज दे आर मोस्टली कंस्ट्रक्टेड ऑन परमिएबल फाउंडेशंस। सो व्हेन वी गो इनटू द डिजाइन ऑफ अ वियर और बराज देन हम उसमें देखेंगे किस तरह से परमिएबल फाउंडेशन पे ये बनाए जाते हैं। एंड दिस इज जस्ट अ ओवरव्यू ऑफ द डायवर्जन हेडवर्क्स। These are the components. So we'll do a video on this on in detail, wherein इन सारे components का हम मतलब समझेंगे and इनका purpose समझेंगे. Weir और बराज essentially they serve the same purpose. The only difference is that बराज is a gated structure. It has gates. So whenever we want to increase the flow of water, we can open up the gates more, and we can regulate the flow of water through these opening of these gates. Then this is the stage of river and plains. You can see that. Huge cross-sectional area of the river, the velocity has toned down and thus it has a huge amount of discharge. And agar is stage pe aap nadi ke pani ko tap karenge to aapke paas kafi pani bhara rahega. This is just a simple diagram showing you how a storage scheme works. So yahan par aap dekh sakte hain that this is the direction of flow of the river, and as soon as a obstruction here is constructed, yeah, the river water encounters an obstruction, immediately the water spreads here and gets stored in the form of a reservoir. Now through these you can divert this stored water in the form of, you can see here, left bank canal, right bank canal, and through many other ways this water can be distributed as per the requirement. And these are the components of a storage scheme. We have a dam, we have a reservoir, we have spillway for excess water when there is excess water in the dam, and we have an energy dissipator to dissipate the energy of falling water in the dam. And this is finally the delta stage, wherein no amount of water can be tapped in. This is another diagram showing you different terminology associated with this topic. We have the river source, then we have the tributary, then marsh, which we commonly call as the daldal in Hindi. Then we have oxbow lakes, we have flood plains, meandering is the turning which the river encounters. We have the delta, then estuary formation, river mound formation. These are all the commonly used terms in this context. So thank you so much for a patient hearing, and we'll meet soon with many more such informative videos. Thank you.